नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे की, और आज अमित शाह बिहार आ रहे हैं। अमित शाह बापू की कर्मभूमि पश्चिमी चंपारण में से चुनावी शंखनाद करेंगे, यहां एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, फिर वाल्मीकि नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद पटना में बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाह का यह दौरा मिशन 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया, इंडो नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है। बिहार आ रहे बीजेपी के चाणक्य, बापू की कर्मभूमि से शाह भरेंगे हुंकार। शनिवार को बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार अमित शाह बिहार आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बापू की कर्मभूमि से मिशन बिहार का शंखनाद करेंगे। सबसे पहले अमित शाह वाल्मीकि नगर में एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद शाह स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती पर बापू सभागार में किसान मजदूर समागम में शिरकत करेंगे। अमित शाह के दौरे को देखते हुए पूरे इलाके को पोस्टर बैनर से पाट दिया गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से जो विकास की गंगा बह रही है, उसकी झलक होगी। इस कार्यक्रम में वाल्मीकि नगर की आम जनता के बीच माननीय गृह मंत्री जी पधार रहे हैं, और यहाँ की जनता में जो उत्साह है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और काम और अपने गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो वह दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व है, उसके साथ यहां की जनता जुड़ेगी। वाल्मीकि नगर से चुनावी शंखनाद करने के बाद अमित शाह पटना लौट आएंगे। पटना में भी एक सभा प्रस्तावित है। पटना में अमित शाह स्वामी सहजानंद सरस्वती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाह के स्वागत में पूरे पटना को पोस्टरों से पाट दिया गया है। पटना के इसी बापू सभागार में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, यहीं पर कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। तमाम बैनर्स लगाए जाने का इंतजाम किया जा रहा है, बैकड्रॉप तैयार किया जा रहा है, अंतिम दौर में तमाम तैयारियां हैं। इस हॉल में अलग अलग जिलों से आए लोग बैठेंगे, जिसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। शनिवार का दिन बिहार की राजनीति के लिए सुपर सैटरडे होने वाला है, क्योंकि एक ओर महागठबंधन की रैली होगी तो दूसरी ओर अमित शाह गरजेंगे। दोनों ओर से मिशन 2024 की शुरुआत होगी, ऐसे में पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों को समझना बेहद जरूरी है। 2019 में एनडीए 39 सीटों पर जीती थी। मोदी मैजिक में बीजेपी जेडीयू के खाते में आई थी 39 सीट। अब समीकरण बदल चुका है। 2019 में नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, अब महागठबंधन के पाले में हैं। जाहिर सी बात है कि इस बार चुनौती 2019 से बड़ी है, क्योंकि महागठबंधन की 7 पार्टियों से मुकाबला है। पटना से स्वप्निल सोनल और बगहा से इमरान की रिपोर्ट, जी मीडिया।